जो सयाना कौवा होता है ना भाई साहब, वो हमेशा गूं ही खाता है, और ये कहावत सच करके दिखाई है हमारे प्यारे कार्तिक आर्यन ने। वो ऐसे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ढाप कर ये बॉलीवुडियाई भांड सोच रहे थे कि बहुत मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे, पर भाई साहब ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दरअसल साल 2020 में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई थी जिसको सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम हमारे प्यारे कार्तिक आर्यन ने चेप लिया और बना डाली शहजादा, जो कि 17 फरवरी यानी कि आज से ठीक 4 दिन पहले थिएटर्स पर रिलीज भी कर दी गई है। और गेस व्हाट, मात्र 4 दिनों में ही इस फिल्म की भी टट्टी निकल चुकी है। अब बात भी सही है, चोरी का माल कितना ही चलाओगे, 65 करोड़ रुपयों का इस फिल्म का टोटल बजट है। प्रमोशंस पर मेकर्स के द्वारा अलग से 5-10 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए गए थे। मोटा मोटी अगर हिसाब लगाया जाए तो इस चोरी की फिल्म को अपना नाम देकर थिएटर्स पर लाने का जो खर्च हुआ ना भाई साहब, वो है 80 करोड़ रुपयों का। अब 80 करोड़ रुपए लगाकर क्या आप लोग जानते भी हैं इस फिल्म ने अब तक कितने रुपयों का धंधा किया? तो जी मात्र 28 करोड़ का। अब ये 28 करोड़ का आंकड़ा भी कोई पुख्ता नहीं है, बल्कि कलेक्शंस को लेकर भी अभी डिटेल्ड रिपोर्ट निकलकर सामने आनी बाकी है। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इन होशियारों ने वीकेंड्स के दिनों पर इस फिल्म को रिलीज किया, जिसमें इनके आगे फ्राइडे का पूरा दिन था, सैटरडे था, संडे था, और आज मंडे है। फ्राइडे सैटरडे संडे पहले वीकेंड पर यह फिल्म 20 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। अब अगर आप लोग इस फिल्म के कलेक्शंस को भूल भुलैया 2 से कंपेयर करें तो इन दोनों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। जहां भूल भुलैया के सीक्वल ने अपने पहले ही वीकेंड पर 60 करोड़ रुपयों से ज्यादा कमा लिए थे, तो वही शहजादा कमाई के नाम पर पानी पीते नजर आ रही है। बात वही है ना भाई साहब, नकल करने के लिए भी अकल का होना बहुत जरूरी होता है। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2020 में जब अल्लू अर्जुन की यह ओरिजिनल फिल्म रिलीज करी गई थी तो इसका बजट था 100 करोड़ रुपयों का, और 100 करोड़ रुपए लगाकर अल्लू अर्जुन की इस ओरिजिनल फिल्म ने बड़े आराम से 262 करोड़ रुपयों का बिजनेस कर लिया था। यानी कि अल्लू अर्जुन ने खुद भी मोटा पैसा कमाया और अपने फिल्म के मेकर्स को भी 162 करोड़ रुपयों का भारी भरकम मुनाफा करवाया था। और रही बात इन नमूनों की, तो ये लोग कितने पानी में है ये तो आपको भी पता ही होगा। कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन की फिल्में चुरा रहा है, सलमान खान अल्लू अर्जुन के गाने ढाप रहा है, खुद की फिल्में तो भाई साहब चल नहीं रही, बेहद बुरे तरीके से पिट रही है, इसीलिए अब हाथ पैर जोड़कर अपनी अगली फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन से कैमियो रोल करवा रहा है। मतलब शर्म लाज तो भाई साहब ये सारे के सारे कतई घोल कर पी चुके हैं। ना तो अपने गाने इनके पास, ना तो अपनी फिल्में हैं। अब तक तो ये साउथ की बस कहानियां ही चुरा रहे थे, अब तो खुद उनको अपनी फिल्मों तक में घुसाने को तैयार हो चुके हैं ये बेशर्म। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।